हाई फ्राई को भी इस तरह से काट ले। ब्रेड ही घर पे लाए और नीचे की ओर पक गया। अब आप इसको सारा ब्रेड पकौड़ा की को बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल पर अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ब्रेड पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन भी जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए जान लेते हैं कि ब्रेड पकौड़ा रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या मतलब मुझे सामग्री चाहिए। तो ये बेसन लिए हैं, 100 ग्राम बेसन है। और ये एक टमाटर बारीक काट लिए हैं, एक प्याज बारीक काट लिए हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी बारीक काट लिए हैं। और ये ब्राउन ब्रेड से आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए जा रही हूँ। ये ब्राउन ब्रेड है और आप ब्राउन ब्रेड को भी इस तरह से काट ले। इस तरह से आप काट ले सारा ब्रेड को, ये देखिए। मैं सारा ब्रेड को काट ले रही हूँ इस तरह से। और इस कोरोना काल में आप बाहर का ना खाएं, घर में शुद्ध बना के खाएं। और ये ब्रेड इस तरह से आप काट लीजिए, ये मैं सारा ब्रेड काट ली हूँ। और ये बेसन को अब घोल बनाना है, तो चलिए ये बेसन में अब बेसन में आप स्वाद अनुसार नमक डाल लें। एक छोटी चम्मच आप काली मिर्च डाल लें। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप एक चम्मच लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डाली हूँ। और आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से फेंट लें। तरह से आप फेंट ले। बेसन फिटा गया है। अब आप इसको जो है पानी में डाल के चेक करें कि ये बेसन अच्छे से फिटाया है कि नहीं फिटाया है। तो इस तरह से आप एक बाउल में पानी ले लें और इस तरह से डाल के आप चेक करें। और ये देखिए ऊपर आ गया है, ये बहुत अच्छा से बेसन का घोल जो है फेटा गया है। और ये अब ये जो टमाटर बारीक किया हुआ है और प्याज धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे बेसन में, बेसन की घोल में। इस तरह से आप भी सारा डाल दें। और इसको आप पतला घोल बनाएं। थोड़ा पानी डाल के आप इसको पतला घोल बना लें। इससे आपका ब्रेड पकौड़ा जो है फूला फूला बनेगा और बहुत ही स्पॉन्जी होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो कृपया कर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगे। और इस तरह से आप घोल बना लें, ये देखिए कितना पतला घोल है। इस तरह से आप घोल बनाएं और ये बेसन का घोल बनकर रेडी है। और आप ईंधन पे एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दें। और कढ़ाई गरम होने के बाद आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालें।
रिफाइंड ऑयल को भी आप गर्म होने के लिए छोड़ दें। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आप सबको, ये जो व्हाइट ब्रेड ना लाए घर में, और ये आप ब्राउन ब्रेड ही का ये आप ब्रेड टोस्ट, ब्रेड पकौड़ा, जो भी आपको खाना है ब्राउन ब्रेड ही घर पे लाए। और आप ये तेल जो है गरम हो गई है, आप इस तरह से चेक कर लें तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। तेल गरम हो गया है, आप इसमें ये ब्रेड को बेसन में अच्छा से डुबो के और एक एक करके आप छान लें। इस तरह से घोल में डाल के आप ब्रेड को छान लें। और नीचे की आप पक गया, अब आप इसको पलट दें। इस तरह से आप पलट लें। और ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको एक थाली में निकाल लें। इसी तरह से आप सारा ब्रेड को छान लें। चलिए मैं छान के आपको दिखा रही हूँ। सारा ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये बनाना बहुत आसान है, आप घर पर इसे बना के खाएं। और मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये ब्रेड पकौड़ा कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, इस तरह से आप भी घर पे बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी अपने सभी दर्शकों को बाय बाय।